नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मगर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों की वजह से आज मिथिका 100 सब्सक्राइबर्स अचीव कर चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे इस चैनल के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, कहानी सिसिफस के सजा की। चाहे वो जलते हुए पहिए में किसी को जंजीरों से जकड़ के रखना हो, या किसी को मकड़ी में बदलना हो, या फिर एक चील से किसी जीते जागते इंसान का कलेजा खिलाना हो, ग्रीक पौराणिक कथा देवताओं द्वारा दिए गए इन सजाओं की कहानियों से भरी हुई है, जो उन लोगों के भयानक परिणामों को दर्शाती है जिन्होंने उन्हें नाराज कर दिया था। उन्हीं में से एक सजा ऐसी है जो राजा सिसिफस को मिली थी, देवताओं के राजा ज्यूस को क्रोधित करने के लिए। सिसिफस एफायरा का पहला राजा था, जिसे अब कोरिंथ के नाम से जाना जाता है। वो एक चतुर शासक थे जिन्होंने अपने शहर को समृद्ध बनाया था, मगर वो एक कुटिल अत्याचारी भी थे। उन्होंने अपनी भतीजी को बहला फुसला कर उससे शादी कर ली थी और अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए अपने राज्य में आए हुए मेहमानों को मार डालते थे। आतिथ्य के इस पवित्र परंपरा का ऐसा उल्लंघन होते देख देवताएं बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन सिसिफस तब भी सजा से बच सकते थे। मगर उनकी लापरवाही और हद से ज्यादा आत्मविश्वास ने ऐसा होने नहीं दिया। मुसीबत तब शुरू हुई जब ज्यूस ने एक अप्सरा एजिना का अपहरण कर लिया और उसे एक विशालकाय चील के रूप में अपने साथ लेकर उड़ गए। एजिना के पिता नदी के देवता एसोपस ने नदियों के सहारे एफायरा तक ज्यूस का पीछा किया, जहां उनका सामना सिसिफस से हुआ। उन्होंने सिसिफस से कहा कि वो एफायरा के अंदर हमेशा वसंत ऋतु को बनाए रखेंगे अगर सिसिफस ने उन्हें उनकी बेटी को ढूंढने में मदद की। ये सुनकर राजा ने उन्हें बता दिया कि ज्यूस उनकी बेटी को लेकर कहां गया है। जब ज्यूस को इस बात का पता चला तो वो इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने थैनेटोस या मौत को आदेश दिया कि वो सिसिफस को नर्क में ले जाकर उन्हें चेन से बांध कर रखे, ताकि वो भविष्य में और मुश्किलें पैदा ना कर सके। लेकिन सिसिफस बहुत चालाक थे। जब वो कैद होने वाले थे तब उन्होंने थैनेटोस से पूछा कि उन्हें जानना है कि ये जंजीरें काम कैसे करती हैं, और मौका मिलते ही उन्होंने थैनेटोस को चेन से बांधकर वहां से भाग गए। जब तक थैनेटोस नरक में बंधे रहे, किसी को भी मौत नहीं आई और उसकी वजह से दुनिया में अराजकता फैल गया। युद्ध के देवता एरिस को युद्ध अब पहले जितना दिलचस्प नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने मृत लोगों की दुनिया में जाकर थैनेटोस को उनकी जंजीरों से आजाद कर दिया और इससे सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। सिसिफस जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, अब वो ज्यादा दिनों तक अपनी मौत को चकमा नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी आखिरी चाल नहीं चली थी। मरने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी मेरोपी से कहा कि वो उनका शरीर एक चौराहे पर फेंक दे और वहां से उनका शरीर बहते हुए नर्क की नदी स्टाइक्स के तट पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही सिसिफस ने नर्क की रानी पर्सिफोनी से संपर्क किया और उनसे शिकायत की कि उनकी पत्नी ने उनके मरे हुए शरीर का उचित संस्कार नहीं करके उनका अपमान किया। पर्सिफोनी ने सिसिफस को जीवितों की भूमि पर वापस जाने की अनुमति दे दी, ताकि वो मेरोपी को सजा दे सके, मगर इस शर्त पे कि जैसे ही उनका काम वहां पर पूरा हो जाए वो नर्क वापस आ जाए। मगर सिसिफस ने अपना वादा नहीं निभाया। अब देवताओं को चकमा देकर वो दो बार मृत्यु को टाल चुके थे। इस बार देवताओं के दूत हर्मिस ने सिसिफस को नर्क के राजा हेडिस के पास वापस पाताल लोक ले गए। सिसिफस ने सोचा था कि वो देवताओं की तुलना में चालाक है, मगर आखिरी हंसी तो ज्यूस ने ही हंसी। सिसिफस की सजा बहुत ही सरल थी, एक बड़े से पत्थर को लुढ़का कर एक ऊंचे से पहाड़ी के ऊपर ले जाना है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, वो पत्थर वापस नीचे लुढ़क गया।
जिससे उन्हें वापस उस काम को शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो उस काम को दोहराते गए अनंत काल तक और आज भी नरक में अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते। और प्लीज 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 इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग बहुत जल्द अब 200 सब्सक्राइबर्स अचीव कर सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।